अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे का हलवा बनाने की रेसिपी। क्योंकि विंटर सीज़न है तो अंडे का हलवा बनाना तो बनता ही है। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है। हलवा जो बनेगा बहुत टेस्टी बनेगा, जो खाएगा दोबारा ज़रूर मांगेगा। तो चलिए देखते हैं हमें इसको किस तरह से बनाना है। अंडे का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 2 अंडे लिया है और 4 टेबल स्पून चीनी है। अब हम चीनी को अंडा में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकती हैं, उसमें आसानी से स्मूथली ग्राइंड हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी नहीं लगेगा। अंडा और चीनी मिक्स हो गया है, अभी हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं हम दूध की तरफ। इसको उबालने के लिए हम एक चौड़ा मुंह वाला पैन लेंगे और उसमें दूध को उबाल लेंगे। दूध को हमें गाढ़ा होने तक उबालना है। चौड़ा मुंह वाला पैन इसलिए बोली हूँ मैं ताकि इसमें जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी पैन है आप ले सकते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध को चलाते रहना है। तब तक हम इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक दूध एकदम गाढ़ा ना हो जाए। आप चाहें तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी उबाल सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूध जले नहीं, चलाते हुए पकाइएगा। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा ताकि नीचे से जले नहीं। आप देख सकते हैं कि दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा है। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। अब अंडा और चीनी का मिक्सचर जो मैंने घोल के रखा था उसे देख लेते हैं। मैंने इसे आधा घंटा तक छोड़ दिया था ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये मिक्सचर जितना ही स्मूथ होगा हलवा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ऑफ वाइट हो चुका है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब जो दूध मैंने ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब इस अंडा और चीनी के मिक्सचर को दूध में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम अंडा को गर्म दूध में डालेंगे तो अंडा पक जाएगा और दूध और अंडा अलग हो जाएगा, जिससे कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अंडा को दूध के कोल्ड होने के बाद ही रखिएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर इसको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो ये चिपक जाएगा और फिर इसमें लम्स बन जाएंगे। जिस तरह का लम्स हम अंडे की भुर्जी वगैरह बनाते हैं उस तरह के लम्स बन जाएंगे, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा हलवा एक परफेक्ट टेक्स्चर के साथ बनकर तैयार होगा। इसलिए इसको लगातार चलाते रहना है जैसे मैं चला रही हूँ, और गैस की फ्लेम रखनी है मीडियम टू लो के बीच। थोड़े से पेशेंस के साथ इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सूख ना जाए और हलवा के फॉर्म में ना आ जाए। इस हलवा को बनाने का मेन फार्मूला यही है कि लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है। हम इसको स्पैचुला से प्रेस करते हुए चलाएंगे ताकि हलवा में मोटे मोटे दाने नहीं हो और ये एकदम सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हो। अगर आपके पास मथनी है तो आप इसको मथ सकते हैं। जब हमारा हलवा इस स्टेज पर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें आधा कप घी या रिफाइंड तेल डाल देंगे, क्योंकि बिना तेल का हलवा अच्छे से नहीं भून पाएगा। अगर आप घी नहीं डालना चाहती हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह रिफाइंड तेल डाल सकती हैं और खूब अच्छे से इसको भून देंगे, क्योंकि हलवा जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमारा हलवा अच्छे से भुना चुका है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। इससे हलवा बहुत टेस्टी हो जाएगा, हलवा जो है ड्राई नहीं रहेगा, हलवा में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसका टेस्ट भी दोगुना हो जाएगा। चीनी डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। हम इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चीनी डालने के बाद हलवा का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इससे कलर भी अच्छा आता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप इस स्टेज पे चीनी डालना मत भूलिएगा। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1-2 टेबल स्पून ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। वैसे ये परफेक्ट मेजरमेंट है, ना ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा फीका है।
अब ये हलवा एकदम गोल्डन कलर का हो चुका है, एकदम ऐसा ही कलर चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो विंटर सीज़न में आप एक बार अंडे का हलवा ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है और घर में सबको पसंद आएगा, इसलिए इसको ज़रूर बनाइए। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही डिलीशियस अंडे का हलवा बना सकते हैं और विंटर सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत से लोग फैट की वजह से घी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन हलवा में घी डालने से एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है, इसलिए जो लोग खा सकते हैं वो घी ज़रूर डालें, क्योंकि घी में हलवा बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बनकर तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।